गाजियाबाद में मसूरी पुलिस ने एक बड़े ट्रक को रोड पर चेकिंग के लिए रोका और जब उसमें तलाशी ली गई तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ। ट्रक के अंदर प्लाईवुड का केबिन बनाकर उसमें शराब छुपाकर रखी गई थी। ये शराब तस्करी करके दिल्ली NCR में लाई गई थी। बताया जा रहा है कि आने वाले चुनाव में शराब का इस्तेमाल होना है और इसलिए उसकी खेप को पहले ही एकत्रित किया जा रहा है। शराब की कुल 655 पेटियां इस ट्रक में से बरामद हुई, जिसमें कुल 5,895 लीटर अवैध शराब पाई गई है। मामले में दो आरोपी पकड़े गए हैं जो राजस्थान के रहने वाले हैं। दोनों आरोपियों के नाम जितेंद्र और राजू हैं। पुलिस पूछताछ में उन्होंने बताया क्षेत्र अंतर्गत से किस प्रकार से बरामद हुई है और ये कहां से सप्लाई करना चाह रहा था, क्योंकि हाल के दिनों में लगातार ऐसी घटनाएं हो रही है जिससे कि शराब पीने से मौत भी हुई है। थाना मसूरी पुलिस द्वारा एक 10 टायरा ट्रक में 655 पेटी शराब बरामद की गई है जो हरियाणा से लाई जा रही थी। बॉटल्स के ऊपर फॉर सेलिंग हरियाणा के ऊपर एक सील लगी हुई है जिस पर फॉर सेलिंग UP लिखा है और उनके ढक्कनों पर UP लिखा हुआ है। इस तरह की शराब बरामद हुई है। ये दो अभियुक्त भी गिरफ्तार किए गए हैं। इनका कहना यह है कि ये जो शराब जिनकी थी और गाड़ी जिनकी थी, इन्होंने करनाल में एक ढाबे के पास इनको ट्रक सुपुर्द कर दिया और इनको बताया कि तुम आगरा ले चलो, हम वहाँ मिलेंगे और तुमको 10,000 रुपए देंगे। ये जो शराब लेके जा रहे थे कहाँ से, किस पर्पज के लिए लेके जा रहे थे, ये इनमें कई कंपनियों की RC और कई ब्रांड्स की शराब है जो आगरा ले जाए जा रही है। बोतलें जो है, ये बोतलें लगता नहीं रिफिलिंग की है क्योंकि इसमें हरियाणा भी लिखा हुआ है और UP की भी लेबलिंग है इसके अंदर। ये जांच किया जाएगा, इसकी टेक्निकल जांच होगी तो उसमें पता चलेगा कि ये रिफिलिंग है या किस प्रकार की। सर इसकी जो कीमत है बाजार की गई है, इसकी कीमत करीब 50 लाख के आसपास।